सो गाइज हमारे जो आलू है वो कट कर रेडी हो चुके हैं। इसके बाद हम इसमें इंग्रेडिएंट डालते हैं जिनकी हमें जरूरत है। हम इन्हें ऐसे ही उतार लेंगे। हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल अक्षर 26 ब्लॉगर में। तो आज हम बनाने वाले हैं फिंगर चिप्स, तो उसकी वीडियो बनाते हैं और आपको दिखाते हैं, चलिए। सो गाइस, हमने 1 किलो के करीब आलू होंगे, इन्हें हमने ढंग से छील लिया है और इन्हें धो लिया है। अब इन्हें इसके बाद में हम काटना शुरू करते हैं। तो गाइस बहुत ज्यादा बन जाएंगे। सो गाइज हमारे जो आलू है वो कट कर रेडी हो चुके हैं। इसके बाद हम इसमें इंग्रेडिएंट डालते हैं जिनकी हमें जरूरत है। एक बार गाइज अब ये हमने काट लिए, इनके बाद इनको हम एक बार और वॉश कर लेते हैं ताकि अच्छे से साफ हो जाए हमारे आलू। सो गाइस ये कॉर्नफ्लोर है और इसे अब आलू में मिक्सर बनाकर डालने से क्या है कि जो आपके आलू है वो क्रिस्पी हो जाएंगे एकदम करारे, जिससे कि खाने में काफी अच्छा टेस्ट आएगा, एकदम मजेदार। सो गाइस हमने इसमें कॉर्नफ्लोर डाल दिया है। अब इसके साथ ही हम इसमें फूड कलर यूज करने वाले हैं, अनुजा का, तो हम डालते हैं। इसे थोड़े कम अमाउंट में डालना है क्योंकि ये थोड़ा ही बहुत ज्यादा स्प्रेड हो जाता है। सो गाइस अब हम इसको हाथ से धीरे धीरे मिक्स करेंगे और आप देख सकते हैं इस पर लाल कलर कितना अच्छा आ चुका है। इसके बाद में अब हम इसको करते हैं फ्राई करना शुरू। पूरी तरह से मिक्स हो चुका है। सो गाइस ये हमारा तेल गरम हो रहा है और जैसे ही ये गरम होता है फिर हम इसमें डालते हैं अपने आलू जो कि हमारे तैयार हैं बनने की। जैसे कि आप देख सकते हो गाइस कलर कितना अच्छा आ रहा है इन पर। अगर इन्हें आप धीमी आंच पर सेकेंगे तो ये और ज्यादा अच्छे सेकेंगे।
गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं कितना लाल हो चुका है। गाइस ये हमने पहली बार में जो ही फ्राई किए हैं, क्योंकि इनको दो बार फ्राई करना होता है, तो अभी एक बार ये कच्चे थोड़े से फ्राई किए हमने। इसके बाद में हम इन्हें दोबारा फ्राई करेंगे ताकि ये और ज्यादा क्रिस्पी हो जाएं। इसी के साथ ही हम और डालते हैं। इसी तरह गाइस इस बार भी हम इन्हें ऐसे ही उतार लेंगे। तो गाइस अब इन्हें सेकंड टाइम फ्राई करेंगे पूरा डाल के एक साथ। इससे होप ये चिपक सकते हैं, ज्यादा जल्दबाजी कर दी थोड़ी हमने, मगर टेस्ट खराब नहीं होगा, टेस्ट वैसा का वैसा ही रहेगा जैसा है। As you can see, अच्छे से सिक रहे हैं हमारे फ्रेंच फ्राइज। तो गाइस अब देख लो ये हमारा ठीक है। तो गाइस ये हमारे फिंगर चिप्स काफी क्रिस्पी बने हैं, तो अब इनको टेस्ट करते हैं।